हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैं जो स्पीकर बनाया था, सबसे पहले जब नई थार लिया था तो ये स्पीकर का ट्रे बनाया था। क्या ट्रे में ज़्यादा आवाज़ आती है, सो इसे मैं ट्रे जैसे बनाया था। ये ड्राइवर सीट और को पैसेंजर सीट के पीछे जस्ट रखा था। वो जो बेंच सीट है उसके नीचे का जो बम्पर है उसी के शेप का ये देखिए बनाया था। ये देखिए, ये है राइट साइड का, ये बम्पर के शेप का है एंगल में, और ये पीछे ऐसे ही स्ट्रेट ड्राइवर सीट के पीछे रखने के लिए। तो ये जस्ट था, और बाकी ये सब ओपन था, ये सब ओपन। तो अब क्या है, नीचे चूहे गंदगी मचा दिए बहुत। अब क्या है, पीछे वो दिखाऊंगा, चूहे बहुत गंदगी किए कर दिए। तो इससे मैं सोचा पैक ही करवा दूँ। तो ये देखिए, ये लेफ्ट साइड का है, नहीं हाँ ये लेफ्ट साइड का है, ये राइट साइड का है। तो अब इसे मैं पैक करवा चुका हूँ, अब बस इसका फिनिशिंग करना है, फिर इसके ऊपर कपड़ा चिपका दूंगा, तो ये वैसा हो जाएगा। ये देख रहे हैं पहले का बना सेंटर आर्म रेस्ट, ये बेंच सीट के पीछे का दो और स्पीकर। अब इसको फिनिशिंग करना है। इसमें ज़्यादा लफड़ा है, ये तो ठीक है क्योंकि इसको काट दिया था एम्पलीफायर के लिए। चलिए इसको फिनिशिंग करके फिर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसे वुड पाउडर से इसे इसकी गैप्स को बंद कर दिया, बाहर से भी और अंदर से भी। देखिए, और इसको सैंड पेपर से घिस के थोड़ा स्मूथ किया। ये वाला थोड़ा स्मूथ गया है, लेकिन वो दूसरे वाले में ज़्यादा टर्न है, तो इसको वुड पाउडर से कवर करने में थोड़ा रफ हो गया ज़्यादा, तो इसको मशीन से स्मूथ करना पड़ेगा। ये देखिए, दरअसल क्या एम्पलीफायर लगा है नीचे, तो इसीलिए थोड़ा इसको काटा था। वो लगाते हुए दिखाऊंगा कि इसे क्यों ऐसा बनाया था। तो अब इसको यहाँ पे बैक, तो इसीलिए वो पाउडर से इसे बंद किया हूँ, लेकिन ये थोड़ा रफ है, ज़्यादा रफ है उससे। तो ये हाथ से सैंड पेपर से नहीं हो रहा है, इसीलिए इसे अलग रखा हूँ। ये देखिए, अंदर भी वही वो पाउडर से कवर किया हूँ, लेकिन अंदर से तो उतना ज़रूरत है नहीं, बाहर से मेन था। तो इसको कल मशीन से इसको इसके कॉर्नर्स को थोड़ा स्मूथ करना है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा रफ है। ये देखिए, थोड़ा एचएस बाहर भी निकला, तो इसे थोड़ा मशीन से ही स्मूथ करना पड़ेगा। इसे थोड़ा सैंड पेपर से खींचा हूँ, लेकिन काफ़ी मुश्किल हो रहा है सैंड पेपर से खींचने में। जबकि ये हो गया है, तो इसे मैं प्राइमर मारूँगा अभी, अंदर बाहर प्राइमर मार के इस पर फिर रेजिन चढ़ाऊँगा। तो एक साइड का राइट साइड का हो जाएगा, वो लेफ्ट साइड का बचा रहेगा, क्योंकि इसे मशीन से स्मूथ कराने के बाद ही इसमें कुछ करूँगा। ये प्राइमर रखा हूँ, इसी से भरूंगा। और ये देखिए, ये वुड पाउडर है, प्लाई का पाउडर, इसी से वहीं से बड़े की दुकान से लेके आया था। चलिए इसे करके फिर दिखाता हूँ, प्राइमर मार के फिर। ये पहले से ज़्यादा स्मूथ है, और इसके कॉर्नर्स इतने शार्प नहीं है, और इसमें ऐसे भी वैक्सीन चढ़ाना है तो शेप आ ही जाएगा। वैसे कि थोड़ा सा लेकिन स्मूथ हो चुका है, रफ नहीं है। चलिए फिर प्राइमर मार के दिखाता हूँ।
देखिए दोस्तों, इसको मैं ग्राइंडिंग करवा दिया हूँ ग्राइंडिंग मशीन से। थोड़ा सरफेस स्मूथ हो गया है और जो रिमेनिंग अंदर ग्रूव था उसे वुड पाउडर से और भर के सैंडिंग कर दिया हूँ सैंड पेपर से। बाकी वो सब ग्राइंडिंग मशीन से चिकना कर दिया है। थोड़ा बहुत जो बचा है वो तो कवर करने से ढक जाएगा, ये पूरा ही चिकना कर दिया है। इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन था नहीं, इसमें बस ये कर्व है। ये देखिए पहले सर्कल नहीं था, अंदर ग्रूव था, तो इसे चिकना करके गोल किया और जो रिमेनिंग ग्रूव था उसे वुड पाउडर से वो गोल कर दिया हूँ और फिर उसका सैंड पेपर से चिकना कर दिया हूँ और इसे प्राइमर मार दिया हूँ अंदर और बाहर। अब ये देखिए ये कटिंग किया हूँ, ये पहले का जो स्पीकर बॉक्स बनाया था उसी और वो सेंटर आर्मरेस्ट तब लेके आया था ये रैगजीन। अब ये काफ़ी बच गया है तो इन दोनों में यूज़ हो जाएगा। ये देखिए स्पीकर के लिए ये काट दिया, ये इतना लगेगा, इसमें से बच जाएगा। तो जो बचेगा कट पीस वो थोड़ा बहुत गैप में लग जाएगा और इसके लिए इतना लेंथ का मैं ये हो जाएगा इसका, इसमें भी कट पीस बचेगा तो जो रिमेनिंग जो बचेगा उसमें लग जाएगा और फिर भी रिमेनिंग रैगजीन रहेगा, बाकी कोई थोड़ा बहुत फ्यूचर पर्पज़ में काम आएगा। चलिए लगा के फिर दिखाऊंगा ये दोनों को। ये देखिए दोस्तों मेरा स्पीकर बॉक्स रेडी है। ये एक स्क्रू नहीं लगा। ये देखिए दोस्तों एम्पलीफायर सेट कर दिया हूँ एंगल में और हर जगह इंसुलेशन कर दिया हूँ ऐसे जहाँ वायर कटे नहीं, अगर सीट नीचे हो। ये ग्राउंड का वायर है यहाँ पे। और ये देखिए दुकान वाले बड़े जल्दी जल्दी वायर करते हैं, तो मैं फ़ोटो खींच के पहले ही रखा था तब खोला था इसे। अब फ़ोटो देख के फिर से असेंबल कर दिया हूँ और थोड़ा लगाने पे खुद भी आइडिया हो जाता है कहाँ क्या फंक्शनिंग है, किसका कहाँ वायरिंग है। ये सब वूफर का है, ब्रिज कर दिया हूँ दो चैनल, एक चैनल हो गया है। ये लेफ्ट स्पीकर पीछे वाला है, ये राइट स्पीकर पीछे वाला है। अब ये बैटरी से कनेक्टेड, ये रिमोट वायर और ये ग्राउंड, यहीं से ग्राउंड मिल गया तो छोटा वायर है, तो इस साइड का वायरिंग हो गया है। अब इस साइड का करना है उसे वो यूनिट से, तो उसका वायरिंग थोड़ा चेक करना है क्योंकि मेरे में बेस कंट्रोलर लगा है और वो पहले वायरिंग अलग किया था यूनिट के पीछे जो FL, फ्रंट राइट फ्रंट लेफ्ट रियर राइट रियर लेफ्ट, उससे बेस कंट्रोलर का कनेक्शन किया था। लेकिन फिर यूट्यूब में देखा हूँ कि उसका सबवूफर का अलग से कनेक्शन आउटपुट दिया रहता है प्लेयर से, तो वही लगा के देखूँगा चेंज करके।